आज जो हमारी रवानगी है वो करबला की है, और जब करबला का नाम सुनते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही वो शख्स है जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को रोका था करबला आने से पहले। इन्होंने कहा था या तो आप यजीद से मतलब उनसे बैत कर ले या फिर आप जंग के लिए तैयार रहें। तो भाई हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है भाई, यहाँ पे देखो खजूर जो है ना बहुत अच्छा रेट है। तो भाई फाइनली हम इस मकाम पे आ चुके हैं, और थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं आपको, जो इमाम मुस्लिम थे उनके जो दो शहजादे, एक की एज 5 साल एक की एज 7 साल, उन दोनों को शहीद कर दिया गया। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने होटल पे, और यहाँ होटल देख के ना हमारा दिल खुश हो गया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। तो मैं हूँ इस समय बगदाद में, और आज हमारा तीसरा दिन है। आज जो हमारी रवानगी है वो करबला की है, और जब करबला का नाम सुनते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दुनिया के 3 सबसे मुकद्दस जगह, करबला, दूसरी बैतुल मुकद्दस और मक्का मदीना, 3 जगह। और करबला आज हम जाने वाले हैं, शाम तक पहुंचेंगे 5 बजे तक। बट उससे पहले मुझे यहाँ की अपनी जो है पूरी पैकिंग करनी है, तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरी पैकिंग पूरी हो गई है। एक चीज बताना चाहता हूँ कि बगदाद में किसी भी होटल में ना आपको टॉवल नहीं मिलेगी, तो घर से आएँ तो आप टॉवल जरूर लेकर आएँ, ना तो यहाँ खरीदनी पड़ेगी। यहाँ मैंने ये जो खरीदी थी 5000 रुपये की, यानी इंडिया के होगा 300 रुपये, 300-350 रुपये में खरीदी मैंने। तो मेरी पैकिंग लगभग जो है पूरी हो चुकी है। 2 बैग है, एक ये है और ये बैग है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ, और उसके बाद जो है हमारी बस आने वाली है। तो जहाँ हम पर ब्रेकफास्ट करते हैं ना, वो इससे एक नीचे वाला फ्लोर है, और वहीं पर ब्रेकफास्ट जो होता है वो इंडिया का जो कुक है ना वो ही बना रहा है। तो देखते हैं आज क्या बनाया है, ये पूरा ब्रेकफास्ट वाला। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं अभी। तो भाई हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, इसमें आलू की सब्जी देख सकते हो, पनीर देख सकते हो, और ये है आमलेट है, और ये स्वीट है कोई, ये पता नहीं क्या है, बराबर में खजूर है, और ये मैक्रोनी है, क्या है, मैक्रोनी है, और ये जैतून है, इधर जैतून का अचार है, इधर दही है, और इधर मेरे पास रोटी है, और ये तो प्रोटीन मेरा अपना खुद का है। तो आज तो काफ़ी सारे आइटम हैं नाश्ते में। इनका जो जैतून है ना वो इतना शानदार है, बढ़िया नाश्ता तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज का जो नाश्ता ना स्पेशल है, इसमें कई सारी डिश है, तो मज़ा आ गया। तो इसमें दही का जो वो है ना, दही के साथ जो आलू की सब्जी है माय फेवरेट है। और रोटी इनकी जो थोड़ी होती है ना, रोटी इराक में इस तरह की रोटी मिलती है। ये क्या मैक्रोनी है, क्या ये पास्ता? पास्ता, पास्ता है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टेस्ट अच्छा दे सकते हैं इंडिया वाला, बट टेस्ट बहुत शानदार है। हमारे साथ तो कुक आया है ना, वो इंडिया से आए हैं, बहुत ज़बरदस्त कुक है, दिखाऊंगा लास्ट वाली वीडियो में। तो भाई मैं ना बाहर आ गया होटल के, और आज ना यहाँ बरसात पड़ी है, कितना शानदार मौसम हो रहा है ना देखो। तो इराक में हमें तो पहली बरसात मिली है, और इस समय जो टाइम हो रहा है वो 9 बज रहा है। ये यहाँ की मार्केट है, जो मैंने ब्लॉग दिखाया था आपको मार्केट वाला, और ये देखो सब कुछ ना ओल्ड है। ये पुरानी मार्केट आप देख सकते हो, या इधर झुग्गी लग देख सकते हो, उधर जो वो देखोगे ना सिक्योरिटी है, जहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है, यानी बस जो है ना वहाँ से अंदर नहीं आ सकती, बाहरी बाहर होगी, उधर से बाहर होगी, उधर से बाहर होगी। तो हमारी बस जो है उधर जाएगी। ये हमारा होटल है जहाँ पर हमने स्टे किया था, तो अभी हमारी बस आ रही है, वहीं चल रहे हैं हम। तो फाइनली दोस्तों बस हमारी यहाँ रुक चुकी है, और एक तरीके से करबला एक से कह सकते हो आप स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ जो जगह आए हैं ना, ये जगह है औलादे मुस्लिम, और काफ़ी ये खास जगह है, और यहाँ भी एक ज्यारत है। तो भाई यहाँ पर देखो खजूर जो है ना मिलती है, और बहुत अच्छा रेट, इसका रेट बताऊँ आपको क्या है, बताता हूँ आपको रेट अभी, और यहाँ से लेके यहाँ तक खजूर मिलेगी ये। तो भाई मैंने खजूर का रेट पता किया, खजूर जो है यहाँ पर 3000 रुपये की 2 किलो है, यानी इंडिया के हो गए 180 रुपये, 180 रुपये में 2 किलो खजूर, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रेट है। तो यहाँ पर ये खजूर मिल रही है भाई। यहाँ पर भीड़ देखो, ये देखो बच्चों की ना छुट्टी हुई है, ये सब इराकी बच्चे हैं, ये देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, खूबसूरती बहुत है भाई यहाँ पर। तो भाई फाइनली हम इस मकाम पर आ चुके हैं, और थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूँ आपको, जो इमाम मुस्लिम थे उनके जो दो शहजादे, एक की एज 5 साल एक की एज 7 साल, उन दोनों को शहीद कर दिया गया, उसी जगह पर हम आए हैं, ये आप देख सकते हो। तो
तो ये उनके बेटे हैं, ये पहले मोहम्मद हैं जो बड़े बेटे हैं, और दूसरे जो है ना, मकाम दिखाता हूँ आपको, ये मस्जिद है और यहाँ से ही जो है दूसरा मकाम है, ये जो है शहजादे इब्राहिम है, ये छोटे बेटे हैं, ये देखिए ये उनका मकाम है। तो ये जो जगह मैंने आपको दिखाई थी ना, ये जो हजरत इमाम हुसैन उन्हीं की फैमिली से, यानी उनके जो चचा जात भाई थे उन्हीं के दो सजादे जिनको शहीद कर दिया गया, ये मैंने आपको जो वो मकाम दिखाया था। तो यहाँ से जो करबला है ना वो लगभग 50 किलोमीटर रह जाता है जहाँ हम चलने वाले हैं। तो भाई यहाँ हमारी बस रुकी है और ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये है जनाबे हुर। ये यजीद टीम के कभी कमांडर हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये हक के रास्ते पर आ गए, और मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दूं। और यही वो शख्स है जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को रोका था करबला आने से पहले। इन्होंने कहा था या तो आप यजीद से मतलब उनसे बैत कर लें, या फिर आप जंग के लिए तैयार हैं। तो फिर क्या हुआ था कि ये पहले यजीद टीम के कमांडर हुआ करते थे ये जनाबे हुर, फिर बाद में ये जो है इधर आ गए थे, यानी हक के रास्ते पर आ गए थे। तो सोचो कि एक जो इंसान जहन्नमी के लिए थे उसके बाद जो है फिर वो जन्नती हो गए। तो ये जब करबला आते हो ना तो रास्ते में ये जगह पड़ती है, और ये अभी करबला का आप कह सकते हो कि करबला में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो अभी ना मैं करीब से अभी इसी जगह को आपको दिखाने वाला हूँ पास से जाकर के। ये यहाँ की मार्केट है, मार्केट तो खैर अभी जो है एक तरह से सुस्ती है क्योंकि मौसम यहाँ का ठंडा है और आबादी ज़्यादा है नहीं। तो अभी जो है हम अंदर ही जा रहे हैं। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं और अंदर से जो हम आपको ज़ियारत कराने वाले हैं जनाबे हुर की। इनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये वो हैं जो यजीद उनके कमांडर हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये इमाम हजरत इमाम हुसैन उनके उसमें आ गए और ये जन्नती हो गए। तो आप देख सकते हो भाई, मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पर ना करबला आओगे आप या बगदाद आओगे तो जो मस्जिद का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही शानदार, बहुत प्यारा होता है। ये देखो हर मस्जिद में ना आपको ज़्यादातर आपको शीशे वगैरह पत्थर भी बहुत अलग है, देखो बहुत ही शानदार। ये देखिए लाइटिंग ऊपर देखिए कितनी शानदार है, बहुत प्यारी लाइटिंग है ये देखो। तो इधर जो पर्दा लगा हुआ है यानी लेडीज के लिए हैं और इधर जेंट्स के लिए हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी ये जो है मस्जिद जो है बनी हुई है जो आप देख सकते हो, और इनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो वापस हम बस पे आ चुके हैं और वहीं हमने खाना खा लिया था मस्जिद में ही, और यहाँ से जो करबला है मात्र 20 मिनट का रास्ता है। तो करबला आ रहा है और करबला एक इमोशंस है और जहाँ हम जाने वाले हैं, तो अभी करबला चल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने होटल पे, और यहाँ होटल देख के ना हमारा दिल खुश हो गया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार, और फाइनली हम एक तरह से करबला में आ गए हैं। ये देखिए सामने भी होटल है बट हमारा होटल ये है, और इसी के अंदर हम जो जा रहे हैं। वाओ ये इनका रिसेप्शन है भाई, बहुत ही शानदार प्यारा। तो भाई बगदाद के मुकाबले काफ़ी अपडेट है करबला, तो दिल खुश हो गया। पहली बार होटल देख कर दिल खुश हुआ हमारा, क्योंकि वहाँ पर ना बगदाद में थोड़ा अपडेट नहीं था, बट ओवरऑल जो होता है बेहतर के लिए होता है। तो बहुत ही शानदार, और अभी मैं आपको अपना रूम टूर देता हूँ, उसके बाद इस ब्लॉग का एंड करेंगे।
और बहुत खुश हूँ क्योंकि हम फाइनली करबला में आ चुके हैं, वो करबला जिसके बारे में हम बचपन से सुनते हुए आए हैं और आज उसको हम देखने वाले हैं। भाई अभी हम चल रहे हैं अपने रूम में। तो भाई ये आ गया हमारा रूम, रूम हमारा ओपन है क्योंकि हमारे पार्टनर अंदर हैं। कैसे हो पार्टनर? बढ़िया। हाँ रूम तो बढ़िया है भाई, दो बेड का है और टीवी एसी सब कुछ, पर्दा भी लगा हुआ है भाई, बढ़िया माशाल्लाह। और हरम शरीफ जो है पास में ही है। तो ये हमारा रूम है भाई, और ये हमारे भाई जो है कश्मीर से हैं, बहुत बढ़िया। हाँ मीर साहब, और देखता हूँ। अच्छा ये फ्रीज है इसमें, और ये अलमारी हो गई, ये इनका जो है टॉयलेट है। टॉयलेट बढ़िया भाई, क्योंकि टॉयलेट ही मेन चीज़ होती है। तो भाई ये हमारा रूम है। और तो दोस्तों आप मुझे फ्रेश होना है, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और अभी थोड़ी देर हम आराम करेंगे, इसके बाद हरम शरीफ जाएंगे और इंशाल्लाह कल को जो ब्लॉग मिलने वाला है आपको बहुत ही शानदार ब्लॉग होने वाला है। करबला जब हम नाम सुनते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बचपन से लेकर आज तक हम केवल नाम सुनते हुए हैं और आज उस जगह को देखने वाले हैं। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, थक गए क्योंकि हम सुबह चले थे लगभग 9:30 बजे चले थे और आते आते यहाँ 6:30 बज गए और लंच भी हमने बीच में किया था। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक को देख रहे हो तो फेसबुक का पेज हमारा अरबाज ब्लॉग के नाम से, वहाँ भी आप फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।